everyone, this side Dr. Ruchi from NDK Nirogam Private Limited. Welcome to our channel. आज हम बात करेंगे the queen of herbs तुलसी plant की, जिसको हम holy basil भी कहते हैं. Holy means pure. यहाँ पर हमारे पास जो तुलसी है, ये वाली तुलसी आप देख रहे हैं, ये रामा तुलसी है, जिसकी बड़े-बड़े जो हैं वो green leaves हैं, और taste में ये थोड़ा sweet होती है. और ये commonly सबसे ज़्यादा जो type हमें इंडिया में मिलता है, वो इसी का ही मिलता है, रामा तुलसी का. दूसरी एक तुलसी रहती है, दैट इज अ कृष्ण तुलसी. ये जो कृष्ण तुलसी है, इसके आप जैसे लीव्स देख रहे हैं, थोड़ा पर्पलिश ग्रीन होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ तुलसी इज हैविंग अ वेरी मच मेडिसिनल वैल्यू प्लस स्पिरिचुअल वैल्यू. दोनों ही तरीके से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली तुलसी है, वो यही कृष्ण श्यामा तुलसी है. इन दोनों टाइप्स के अलावा भी एक और टाइप होता है तुलसी का, दैट इज अ वन तुलसी. वन तुलसी जो है वो वाइल्ड एरियाज में मिलती है, इट इज वेरी रेयर. तो तुलसी का जो मेन ग्रोइंग टाइम रहता है, दैट इज स्प्रिंग एंड समर सीजन, जिसके अंदर अगर मैं आपको डेज के अकॉर्डिंगली बताना चाहूँ, तो 15th ऑफ अप्रैल से 15th ऑफ जून तक जो है, दैट इज द बेस्ट ग्रोइंग पीरियड फॉर द तुलसी प्लांट. एंड इसके आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो तुलसी है, इट हैव अ वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू, बहुत अच्छी एक हर्बल वैल्यू रहती है इसकी, क्योंकि ये माना जाता है कि तुलसी जो है वो हमारे डीपर टिश्यूज में पेनेट्रेट करके जो सिक्रीशंस हैं उनको ड्राइड अप करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए जो हमारे इंक्रीज्ड वात और कफ दोष है, उनको पैसिफाई करने में, नॉर्मलाइज करने में तुलसी इज अ वेरी प्रोटेक्टिव. आज हम इन्हीं जो बेनिफिट्स हैं तुलसी के, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी तुलसी हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए. देखिए, तुलसी यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं. आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं. उसके सारे पार्ट्स यूजफुल हैं, उसके स्टेम, उसका रूट, तुलसी की लीव्स, फ्लावर्स और तुलसी की बाग, एवरी पार्ट हैव अ वेरी गुड मेडिसिनल वैल्यू. लेकिन तुलसी को कभी भी आपने च्यू नहीं करना, जो यूजुअली कई दोस्त जो हैं वो करते हैं. देखिए, जो च्यू करते हैं जब हम तुलसी को, तो ये तो स्पिरिचुअली भी अगेंस्ट है च्यू करना तुलसी, क्योंकि हम तुलसी को जो है वो दुर्गा रूप में पूजते हैं. लेकिन अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहूँ, तो तुलसी को च्यू हमें इसलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में हाई अमाउंट ऑफ मर्करी एंड आयरन प्रेजेंट रहता है. तो जब हम इसे च्यू करते हैं, तो हमारे टीथ के साथ रिएक्शन होता है, और बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जो ये मर्करी एंड आयरन मैंने आपको बताया, वो डेंटल जो है वो डिसकलरेशन और डेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है. तो नेवर च्यू तुलसी. तुलसी को बाकी आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करें. जैसे अगर आपको स्ट्रेस है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रोज़ाना सुबह आप 2 कप आप पानी लीजिए, उसे बॉयल कीजिए, उसमें तुलसी के 10 से 12 लीव्स डाल दीजिए, उसे बॉयल होने दीजिए, और जब वो 1/2 कप रह जाए, तो उसको आप फिल्टर करें. उसके अंदर जो है आप 1 चम्मच शहद डालें उसको ठंडा करके, और फिर इसको रोज़ाना सुबह खाली पेट यूज़ करें. आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुलसी जो है, इट इज़ अ वेरी पोटेंट हर्ब टू लोअर्स डाउन योर कॉर्टिसोल लेवल्स. और कॉर्टिसोल लेवल अगर बॉडी के अंदर हाई होंगे, तो स्ट्रेस भी हाई होगा, और अगर वो कम होते हैं, तो स्ट्रेस लेवल भी कम होता जाता है. तो इसीलिए अगर आपको कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तुलसी रोज़ाना आप सुबह ज़रूर यूज़ कीजिए. बाकी डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स, उनके लिए भी तुलसी इज़ अ वेरी गुड हर्ब, क्योंकि तुलसी में जो है वो सैपोनिन्स, ट्राइटपिन्स, लाइनोलिक एसिड, ये सारे जो है वो कंटेंट प्रेजेंट है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसके कारण ये एक एंटी डायबिटिक हर्ब भी जो है वो मानी जाती है. तो कैंसर पेशेंट्स जो हैं, उनके लिए इसके अंदर यूजिनॉल जो है वो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रहता है, एंड यूजिनॉल हैव अ वेरी गुड डीएनए डैमेज जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जो एक्टिविटी है वो रहती है, एंड वो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एपोप्टोसिस को इंक्रीज करता है. एपोप्टोसिस यानी कैंसर डेथ को वो इंक्रीज करता. तो इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं, वो रोज़ाना जो है वो तुलसी प्लांट किसी भी फॉर्म में ज़रूर यूज़ करें. अगर आपको किसी भी तरह की एस्थमेटिक प्रॉब्लम या खांसी, जुखाम, बुखार ऐसी प्रॉब्लम रहती है, या आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम रहती है, तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि रोज़ाना तुलसी का जो है वो जूस निकाल कर, आप थोड़ा उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल कर, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के रोज़ाना दिन में 3 से 4 बार पिए. इससे आपकी इम्यूनिटी, आपकी एस्थमेटिक प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और म्यूकस जो है वो नेचुरली आपकी बॉडी से निकलेगा.
बाकी जो है हमारा डाइजेशन है उसके लिए भी इट वर्क्स एज अ एंटी अल्सर एक्टिविटी रहती है इसकी, क्योंकि बॉडी में जो है ये एसिड और टैक्सिन की जो सिक्रीशन है उसको काम करता है, म्यूसिन सिक्रीशन जो है हमारे स्टमक में उसको इंक्रीज करता है। एक्ने में भी बहुत अच्छा रोल है इसका, अगर आप इसके जूस को अगर आप एक्ने पे लगाते हैं तो इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। तो इस तरह से तुलसी का जो है हमारी बॉडी में मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सही तरीके से आप तुलसी को यूज़ कीजिए, च्यू मत कीजिए, रोज़ाना यूज़ कीजिए, यू विल हैव अ वेरी गुड बेनिफिट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।